जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हूं आप मन के संग मनीरज। खबर छत्तीसगढ़ में आगू बढ़बो। एक कति देश प्रदेश में कोरोना हा कहर बरपावत है तो दूसर कोती ए आपदा में कई प्राइवेट अस्पताल अवसर ढूंढा थे, जी हाँ, कई अस्पताल और डॉक्टर मरीज के जान बचाए बर रात दिन एक कर दिए है। तो उन्हें दूसर कति कई ऐसा अस्पताल भी है जिन ए मौका के भरपूर फायदा उठाना चाहते थे, जेकर चलत कई मरीज के जान जावत है। ऐसा एक मामला बिलासपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में घलोक देखे ला मिली। का है पूरा मामला, आवा देखिन ए रिपोर्ट में। तस्वीर में जेन आप देखत हो तेन है बिलासपुर के निजी यानी प्राइवेट किम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी हाँ, कहे जाते कि हर मर्ज के गारंटी के साथ इलाज होते। फिर कोरोना काल में अही अस्पताल आपदा ला अवसर में बदले में कोनो कसर नहीं छोड़ते है। कहे जाते मरीज बर अस्पताल एक मंदिर और डॉक्टर एक भगवान के बरोबर होते। फिर आपदा के समय ये अस्पताल मा जेन खेल चलत है तेकर से लगते के डॉक्टर के भेष मा यहाँ भेड़िया रहते, जेन मौका पाके मरीज और परिजन के खाल उधेड़े मा कोनो कसर नहीं छोड़ा है। ए हम नहीं, खुद नर्सिंग के छात्रा श्रुति जायसवाल कहत है, जेकर माँ और बाप एक दिन माँ अस्पताल के लापरवाही के भेंट चढ़ गए। और वहाँ पे ना ही बीपी ऑपरेटर है, मैं भी एक स्टाफ हूँ, हम लोग भी काम कर चुके हैं, इसलिए मेरे को पता है। इन लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि आपके पेशेंट को देख रहे हैं, बस यही बोलते हैं देख रहे हैं और ठीक है। और जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद ये बताते हैं कि हो गया, पेशेंट चला गया, बस यही न्यूज दे रहे हैं। एक दिन माँ माँ और बाप के सर ले साया चले जाए, जेकर दुख श्रुति ले ज्यादा कोनो नहीं समझ सके। अस्पताल की लापरवाही श्रुति के माँ बाप ला छीन लीस। दरअसल कोरबा ढेलवा डी के श्रुति के पिताजी कोरोना संक्रमण के चपेट में आगे रहीस, जिला इलाज बर किम्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करे गईस। पिता के बीमारी के सुन माँ के भी तबीयत नासाज हो गईस। श्रुति हा आ देखिस नताव और बड़े नाम के चक्कर मा किम्स अस्पताल मा अपन माँ पिता ला भारी रकम जमा कर जैसे तैसे भर्ती करा दीस। फिर अस्पताल के डॉक्टर और उहां के कर्मचारी के लापरवाही के चलत श्रुति के माँ और बाप हमेशा बर दूर हो गए। आईसीयू के नाम पे लोग पेशेंट को कोविड आईसीयू में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे ना तो उनको सही से बेड मिल रहा है। बेड हम लोग को नर्सिंग में सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, ऑक्सीजन की कमी है, पेशेंट को बैठा के रखो, बेड को एलिवेट करके रखो। ना तो इन लोग का बेड सही है, ना तो वो एलिवेट होता है, ना ही लोग टोटल ऑक्सीजन को मेंटेन कर पाते। मैं जब उनको देखने गई 46% था उनका। मैं खुद उनका केयर की, 4-5 घंटे उनके साथ रही हूँ। 85% तक उनका ऑक्सीजन मैं खुद लेके आई थी, वो भी नॉर्मल केयर से। आप सोच सकते किस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं। देश भर में कोरोना कहर बरपा थे, हमर प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा मा आपदा ला अवसर समझत हुए आए दिन प्राइवेट अस्पताल के भर्रा शाही रोज न रोज आगू आवत है। बिलासपुर के किम्स अस्पताल मा अपन माँ बाप के ठीक होए के आशा लेके पहुँचे कोरबा के श्रुति ला यहाँ धोखा के सिवाय कुछ नहीं मिली। आईसीयू में मॉनिटरिंग की सर्विसेज नहीं थी, ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं था उनके पास। मैं खुद एज अ स्टाफ वहाँ काम किया, पीपी किट पहना हुआ था, इसलिए मेरे को कोई नहीं पहचाना कि ये स्टाफ है या फिर अटेंडर है। उसके बाद मैं उनको 2 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर से उनका मैं SpO2 60 तक लेकर के आया था, 35 से 60 तक लेके आया। उसके बाद मेरे को ड्यूटी डॉक्टर पहचान गया, क्योंकि वो मेरे को जनरल वार्ड में भी पहचान के मेरे को बाहर भेज दिया था और वहाँ पर मैं उनके साथ था, तो मेरे को वो पहचान गया और वो मेरे को बाहर भेज दिया। बाहर भेजने के मैं पीपी किट पहना था, तो फिर मैं घर चला गया चेंज करके और उसके 1 घंटे बाद इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भर्ती हो। एक नर्सिंग के छात्रा खुद अपन आँखी के आगू प्राइवेट अस्पताल में होवत लापरवाही ला चाह के भी नहीं रोक पाइस, तो अंदाजा लगाया जा सकत है कि आम आदमी ये अस्पताल के चक्कर में फंस के का हाल होवत होही। फिलहाल श्रुति के आंसू रोके नहीं रुकत है, डबडबाए आंसू ले प्रशासन ला खत लिखे है कि ये लापरवाही के जांच करके अस्पताल प्रबंधन ऊपर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाए। आशा है कि ये दुखियारी बेटी के आंसू ले भरे चिट्ठी में प्रशासन कोनो सुध जरूर लेही और कई श्रुति ला बेसहारा होए से
जरूर बचाही। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।